फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं 3-4 दिन के बाद ये ब्लॉग डाल रही हूँ। 3-4 दिन से मैं नहीं डाल पा रही थी ब्लॉग, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये बिज़ी हो गई थी मैं घर के कामों से ही। और अभी आज जो है अरुल और समृद्धि दोनों जाने वाले हैं सुबह सुबह स्कूल, तो दोनों के सुबह चल रहे हैं ब्रेकफास्ट। और यहाँ आरुल जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, और आज बहुत समय बाद ऐसा हुआ है जो वो मोबाइल के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा है। ऐसा वो कभी करता नहीं है, लेकिन इधर क्या हो रहा है ना कि विंटर के कारण बच्चों की कभी तबीयत वगैरह जैसे ठीक नहीं रहती है, तो थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे। तो आजकल आरुल वही हो गया है कि थोड़ा ज़िद्दी हो गया है वो, तो नाश्ता कर ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने मजबूरी में उसे मतलब उसने बोला है और मैंने दिया है कि भाई चल कर ले। और आज साहब जो है इन्होंने कल होमवर्क भी पूरा नहीं किया है, तो अभी ये ब्रेकफास्ट जल्दी ख़त्म करेंगे और उसके बाद ये होमवर्क भी करेंगे। तो बाकी बच्चों का क्या होता है कि मोबाइल टीवी के साथ उनके ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, स्लो हो जाते हैं। बट हमारे बेटा जो है, हमारा ये अरुल जो है, ये मोबाइल के साथ में इसके ब्रेकफास्ट जो है वो फास्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी से फास्ट करो, क्योंकि होमवर्क वगैरह भी बनाने हैं इसे। इसने क्या किया था ना, कुछ राइटिंग वर्क इसके थे जो कि स्कूल से मिल रहे हैं बच्चों को राइटिंग के लिए। बच्चों की जो राइटिंग है ना, सारे स्कूल के वही हाल है। बच्चों की राइटिंग जो इतनी कमज़ोर हो गई है, कम हो गई है, स्लो हो गई है, कि बच्चों स्लो राइटर बच्चे हो गए हैं। और इस वजह से है उनकी राइटिंग करनी है। और यहाँ पर पहले ये देख लीजिए क्या कर रही है, ये जो है ये पापा से ज़िद कर रही है मूवी के लिए। बोल रही है कि अब हमारी मतलब हमें इस सैटरडे हमें जानी है मूवी देखने के लिए, हमें मूवी देखने के लिए आप ले चलिए। तो मैं जो ये ब्लॉग डाल रही हूँ ये जस्ट इसके क्रिसमस के एक दिन पहले का है, स्कूल जो खुली हुई थी उस दिन का है। और क्रिसमस की छुट्टी होने वाली है, तो मैंने आपको बुला ही है कि 2-3 दिन लेट हो गई है ब्लॉग डालने में। तो वही पापा को बोल रही है कि हमें लेकर के चलिए क्रिसमस के दिन, मुझे मूवी देखनी है। तो दोनों का वही हो रहा है कि पापा को बोल रही है और पापा सुन रहे हैं, और उसके साथ में वो उसको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा है, सुबह सुबह यही सब चलता रहता है। कोई मजाक के मूड में रहता है तो कोई है जो इतना मतलब सीरियस रहता है, उसे किसी चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं रहता। जैसे हमारा आरुल है, इसे बस मोबाइल में लगा हुआ है। ब्रेकफास्ट इसके अब हो गए हैं, अब इसे दूध फिनिश करना है, उसके बाद ये होमवर्क फटाफट करेगा ये। और मैंने यहाँ पे सब्जी बना ली है, छोले बनाए थे मैंने यहाँ पे, तो छोला बन गया है। तो मैं ज़्यादातर सुबह में छोला वगैरह बना देती हूँ कि बच्चों को भी अच्छा लगता है छोला पूरी वगैरह। और हमेशा तो नहीं बनाती, रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ वीक में एक बार ज़रूर बना देती हूँ। तो वही है, तो छोले बन गए हैं, और मैंने जो पूरी है वो भी मैंने तैयार कर ली है। अब मैं फटाफट टिफ़िन पैक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नारुल को भी देखना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करो, जो बची हुई होमवर्क है उसे पूरा करो। और सुबह में ना मतलब 6:30 में बस आ जाती है। अब इससे पहले बच्चे कितनी सुबह उठें, और मतलब सुबह होमवर्क अगर करवाना हो और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ अगर बच्चों का करवाना हो, तो बहुत ही टफ काम हो जाता है। और आरुल के लिए तो बहुत ज़्यादा, आरुल के साथ में, क्योंकि आरुल का करवाना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर आज वो करेगा, क्योंकि जब वो बोल देता है कोई काम कि मैं करूँगा, तो वो करता है। और स्कूल की टीचर से उसे थोड़ा डर भी लगता है, तो उसे 10-10 लाइन है हिंदी और इंग्लिश के लिखने के। तो पहले मैं क्या करती हूँ, फटाफट टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ। और उसने शुरू कर दिया है होमवर्क बनाना, तो जब मैं टेबल पे चलूँगी तो आपको दिखाऊँगी वहाँ पे कि ये होमवर्क इसने शुरू किया है। इंग्लिश तो ये लिख लेता है, लेकिन हिंदी वगैरह लिखने में या मराठी लिखने में इसकी जान जाती है। वो हिंदी और मराठी लिखना नहीं चाहता है, मतलब बहुत उसके साथ में मशक्क़त टीचर को भी करनी पड़ती है। लिखता है, ऐसा नहीं नहीं लिखता है, लेकिन जैसे उसकी जो चॉइस में अगर आप देना, तो मैथ और इंग्लिश बहुत पसंद है, हिंदी और मराठी मत बोलिए। तो ऐसा तो चलेगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही इसे। तो यही है, अभी मैं फटाफट क्या करती हूँ कि पहले लंच छोले हो गए हैं, और छोला भी है कि बॉयल किया था मैंने, रात को ही बॉयल करके छोड़ दिया था, फ्रीज में डाल दिया था। क्योंकि मुझे क्या हुआ ना कि मतलब एक दिन पहले रात को मैं बॉयल करके एकदम जब सोने से पहले बॉयल करके, कभी अब जैसे बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, तो बॉयल करके बाहर ही रख देती थी, कुकर में ही छोड़ देती थी, या फिर अगर थोड़ा सा जल्दी अगर किया बॉयल तो फिर फ्रीज में डाल दिया।
तो ऐसे करके जिससे कि क्या होता है कि काम थोड़ा सा आसान हो जाता है सुबह का, जिसमें कि आप कुछ समय किचन से समय निकाल के आप बच्चों के पीछे भी लग सकते हैं। और बच्चे अगर हमारे आरुल की तरह हो तो खैर समय तो आपको निकालना पड़ेगा। तो वही है, मैंने यहाँ पे टिफ़िन जो है उसके पैक कर दिए और मैं उसको जाके देखूंगी तो वो भी कर ही लेगा। और आज मुझे ना मार्केट का भी कुछ काम है दोपहर में, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं मार्केट भी जाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अभी लेकर आ गई हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके होमवर्क शुरू हो गया। लेकिन ये होमवर्क ये बुक वगैरह खोल के बैठ जाता है, उसके बाद एक दो लाइन लिखेगा और उसके बाद वो सोचता रहेगा कि कब कब मम्मी वहाँ से हटे और मैं थोड़ा घूम करके आ जाऊँ पूरे घर में, पता नहीं क्या रहता है इसे। तो यहाँ पे वही है, मैं उसे बोल रही हूँ, और इरेजर है इसके पास में, तो बोल रहा है नहीं मुझे ये वाली पुरानी वाली इरेजर से इरेज नहीं करना है, इससे वो और गंदा हो जाता है, मुझे नई इरेजर ला करके दो। अभी इसका भी कोई जवाब नहीं है, नया इरेजर ला करके आप देंगे तभी इरेज करेगा। खैर तो मैं वही कर रही हूँ, अभी मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ और ये मुझे बोल रहा है कि इरेजर ला करके दो, तो मैं इरेज करूँगा क्योंकि गलती हो गई है, तो वहाँ मुझे लिखनी है। तो मैं उसे समझा रही हूँ लेकिन वो समझने को रेडी नहीं है। और इसी बात पे क्या होता है कि पापा इसके सुन लेते हैं तो डांट बहुत कस के पड़ जाती है इसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये रोना शुरू कर देता है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो इरेजर एक जो मेरे हाथ में दे रहा है वो मतलब अच्छे इरेजर है जो सामने रखा भी हुआ है, लेकिन इसको एकदम न्यू इरेजर चाहिए। और इरेजर के ऊपर क्या करता है, पेंसिल से ये बहुत अच्छे से उसे घिसता है पेंसिल उसके ऊपर, तो वो जो पेंसिल की जो ब्लैक ब्लैक होती है वो पूरी इरेजर के ऊपर आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो इरेज करेगा पेपर पे तो वो ब्लैक ब्लैक तो हो ही जाएगी। तो वो वही करता है परेशान करने के लिए मुझे, यहाँ पे अभी कर रहा है वो हिंदी के। और यहाँ ये मैडम जो है ये मूवी के टिकट बुक करवाने में लगी हुई है कि टिकट बुक कर दीजिए पापा, हम लोग जाएंगे सैटरडे को देखने के लिए, संडे को देखने के लिए। तो वही सब चल रही है इन दोनों की, इसके ब्रेकफास्ट हो चुके हैं इसलिए आराम से पापा के पीछे लगी हुई है। अब मैं इसे ले जाऊंगी पहले अरुल को रेडी करने के लिए। और यहाँ पर आप देखिएगा कि अरुल जो है ये उठ करके थोड़ा सा टहल लेगा, इसे बस इंतज़ार रहता है कि मम्मी थोड़ा हटे कि मैं थोड़ा टहल के आ जाऊँ। तो मैंने उसे रेडी कर दिया है क्योंकि क्या हो गया है ना कि अगर वो लिखता रह जाता और ज़्यादा बदमाशी इधर उधर घूमने में, तो पता चलता कि बस आने की टाइम हो चुकी है और बस रुकती नहीं है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है। वो भी अगर आपने कहा हुआ है कि बच्चे जाएंगे तब वो 1 से 2 मिनट रुकती है, उससे ज़्यादा नहीं रुकती। तो आज तक हमने ऐसा मौका नहीं दिया है कि बस रुकी हो और बच्चे घर पे हो, तो टाइम से ही बच्चे पहुंच जाते हैं। और वैसे भी ट्रैक करने का दे दिया है तो वैसे भी हर ट्रैक करके लोग टाइम से निकल जाते हैं घर से, एक मतलब जो स्टॉप है बच्चों की उससे 1 स्टॉप पहले बस रहती है तो बच्चे घर से निकल जाते हैं। तो वही चल रहा है, तो पापा ने उसे रेडी किया है, मैंने समृद्धि को कर दिया तो दोनों, और अपना वो कर रहा है। समृद्धि थोड़ी सी है, एक सेंसेबल है, ये अपने सारे होमवर्क वगैरह टाइम से पूरे कर लेती है तो इसे परेशानी नहीं होती है कभी, और ये मज़े लेती रहती है जब आरुल ऐसे चक्कर में फंसता है तो सब भाई बहन के बीच में ऐसा होता है, आपके घर में भी ऐसा होता रहा होगा, हम लोगों ने भी ऐसा किया हुआ है बचपन में। तो वही मुझे लगता है कि हर समय चाहे जितना भी बदल जाए नेचर नहीं बदलते, और जो कुछ ऐसे नेचर हैं इंसान के जो कि अपने आप बच्चों में आ ही जाते हैं, वही हो गया है। यहाँ पापा खड़े हो गए कि भाई जल्दी कर क्योंकि इसे ब्लेजर पहनने और जूते पहनने, सॉरी। तो अभी आरुल फटाफट होमवर्क पहले कंप्लीट करेगा, हो ही गया है, मतलब 10 लाइन लिखने थे इसे, तो इसने क्या किया था ना कि 4 लाइन इसने लिखा था और 6 लाइन इसने छोड़ दिया था। तो हिंदी में टीचर बोलती हैं कि 10 लाइन लिखो, इंग्लिश में 10 लाइन रोज़, हिंदी में हिंदी या मराठी कोई भी एक लिख सकते हो, तो ये मराठी मतलब कभी कभी करता है, हिंदी ज़्यादा करता है। तो वही है कि उसमें इसने 4 लाइन करके छोड़ दिया था। वो तो मैं रात में बैग पैक कर रही थी इसके, जो रूटीन के हिसाब से मैं इसके बैग पैक करती हूँ जो रोज़ के रहते हैं रूटीन, तो उसके हिसाब से मैं बुक रख रही थी, तो मैंने होमवर्क की कॉपी चेक की तो देखा, मैंने कह रही है इसने तो 4 लाइन ही लिखे हैं, 10 लाइन लिखा ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में 10 लाइन। तो वही हो रहे थे, और अभी बच्चे फटाफट निकल गए हैं चूँकि आज अरुण ने होमवर्क करने में थोड़ा लेट किया है, इसलिए बस अब एकदम पहुँचने वाली है स्टॉप पे और बच्चे चले गए। तो इस तरह से सुबह में हमारे घर में भागम भाग लगी रहती है, मतलब ये भागम भाग सबके घर में लगी रहती होगी, शायद ही कोई होगा जिनके बच्चे बहुत आसानी से सब काम करते होंगे।
और यहाँ पे मेरे गार्डन के फूल जो है वो भी कुछ बोल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, सभी के सभी खिले हुए बड़े प्यारे दिख रहे हैं। तो मैं जब भी बाहर कैमरा लेती हूँ या कुछ भी, मैं जब बाहर कुछ शूट करती रहती हूँ ना, तो मैं एक नज़र और एक झलक ये सब भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम जब प्लांट लगाते हैं तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत भी करते हैं और दिल से मेहनत करते हैं, और जब फूल खिलते हैं ना तो बड़े प्यारे दिखते हैं, तो बार बार देखने और दिखाने का मन भी करता है सबको। वैसे तो यहाँ पे लगी हुई है तो ऐसे ही फिर गार्डन में के फ्लावर सबको ही देखते हैं, बट मैं भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी निहारती रहती हूँ कि अच्छे लगते हैं मुझे गार्डन में फ्लावर। इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत कम किया है, बहुत लिमिटेड, क्योंकि इस बार ज़्यादा हो नहीं पाया मेरे से, क्योंकि मुझे धूप जितनी चाहिए उतनी धूप मतलब मेरे गार्डन में नहीं थी, तो इस वजह से। और ये सारे प्लांट धूप के थे, और यहाँ रोज़ को भी धूप चाहिए होती है, इन सब को धूप चाहिए। जब तक धूप नहीं मिलेगी ये सब मतलब अच्छे से खिलेंगे नहीं, ग्रोथ नहीं होगी, तो नए नए ब्रांचेज नहीं निकलेंगे। तो इस वजह से इन सब को ध्यान में देखते हुए मैंने इस बार लिमिटेड ही प्लांट लगाए हैं। और जो प्लांट है, और एक क्या हो रहा है ना कि बंदर वगैरह जो होता है ना वो आ करके ना अरहुल वगैरह को नोच नोच के खा जाते हैं, तो मेरे अरहुल वगैरह पे आजकल ऐसी आफत आ गई है कि पूछिए मत। तो वो सारे नोच नोच दे रहे हैं, सिर्फ रोज वगैरह चूँकि उसमें कांटे रहते हैं इसलिए वो नहीं नोचते हैं, लेकिन बाकी को नोच लेते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि मेरे अरहुल जो गुलहड़ जिसे हिबिस्कस बोलते हैं वो सूख क्यों जा रहे हैं, जो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन अचानक से तब मैंने 2 दिन पहले देखा कि दोपहर के टाइम में जब सबके दरवाजे बंद रहते हैं, लोग दोपहर में घर के अंदर रहते हैं, उस टाइम पे वो बंदर आते हैं और सबके नोचने शुरू कर देते हैं प्लांट को। मतलब माना कि फ्लावर के फ्रूट के पेड़ पे जाते हैं फ्रूट तोड़ के खाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूछिए मत, फूल के पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, फूल के पेड़ को भी तोड़ते हैं। तो वही सब है, अब हम दोनों चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद मैं बाकी के काम अपने स्टार्ट कर दूँगी। तो वही सब चल रहा है, यहाँ मैं चाय पी रही हूँ और उसके बाद। और यहाँ देखिए हमारी जो फिश रानी है वो कितनी खुश है पानी के अंदर, एक्वेरियम साफ़ हुआ है दो कल के एक दिन पहले। और यहाँ हम सभी आ गए हैं मार्केट, तो मैं फटाफट मैंने यहाँ पे रेडी होकर हम लोग मार्केट आ गए थे, और मार्केट में यहाँ पर हमें लेना था इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए ऊपर से जो मुझे लेना था मतलब पजामा कुर्ता ही मेरे हस्बैंड के लिए लेना था, लेकिन इनको कोई जम ही नहीं रहा था, और ऑलरेडी इनके पास है पजामा कुर्ता बहुत सारा नया नया, तो लेकिन उस पर उन्हें थोड़ी सी मतलब ये चाहिए थी जैकेट टाइप की कुछ चाहिए थी जो कि अच्छा दिखे, तो वही हुआ था। तो उसी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जैकेट वगैरह देखा और काफ़ी ढूंढा, तो बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत पजामा कुर्ता ट्राई करने के बाद मतलब कुछ भी नहीं जमा। लास्ट में हमने एक बंडी ली जो एक कुर्ता था नया कुर्ता, उसके ऊपर हमने सिल्क का कुर्ता था उसके ऊपर हमने उसे मैच किया, और उसके बाद हम लोग घर की तरफ भागे क्योंकि लेट हो रही थी। और अभी हो गए हैं शाम के 5:30 हो रहे हैं, बच्चों ने किए अपने सारे ट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं, और अब बच्चे जो है वो साइकिलिंग कर रहे हैं, तो मैं बाहर खड़ी हूँ क्योंकि क्या हो रहा है ना कि वो कुत्ते और गाय वगैरह जो है ना वो आकर के रोड पे ही आ जाते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं, तो बच्चे डर के गिर जाते हैं मतलब नीचे और चोट लग जाती है, और देख सकते हैं कि पत्थर पत्थर ही पूरे रोड पे है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे बच्चों के साथ में मैं खड़ी हूँ कि तुम लोग चला लो, मतलब जितनी साइकिलिंग करनी है कर लो, क्योंकि बच्चों को ज़रूरी भी है थोड़ा सा ये सब करना। तो वही सब बच्चे कर रहे हैं, और शाम के 5:30 से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी धूप है हल्की हल्की, तो मैंने वो इसी के लिए इन्हें छोड़ा है। और फ्रेंड मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देख सकते हैं कि सामने आपको एक गाय भी दिख रही होगी, तो बस बच्चे भाग कर आए हैं गाय को देख करके, क्योंकि वो लोग क्या होता है ना कि आजकल समझ में नहीं आ रहा है, गाय भी इतने दौड़ते हैं ना रोड पर कि पूछिए मत, लगता है जैसे कि वो घोड़े की तरह दौड़ रहे हो। तो इस वजह से है ना कि हमें ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का कि ये मतलब जो गाय है और या कुत्ते हैं इनसे बच के। तो यहाँ बच्चे आ गए हैं ग्राउंड के अंदर, हमारे घर के जस्ट बगल में ग्राउंड है तो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो बच्चे यहाँ पर, मैंने कहा कि यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पर भी क्या होता है, अभी जो हल्की धूप है ना इसमें क्या होता है इतने सारे गाय आ जाएंगी और गाय के पीछे कुत्ते आ जाते हैं पूरे आवारे, कि मतलब पूरे ग्राउंड में वो लोग ही बैठ जाते हैं, बाकी जितने बच्चे खेलते रहते हैं वो सब भाग जाते हैं यहाँ से डर के मारे कि कब कौन सी गाय दौड़ जाए कब कौन सा कुत्ता दौड़ जाए उनके पीछे। तो अभी पता नहीं किसी ने शायद कंप्लेंट वगैरह किया हुआ है कुत्तों को मतलब हटाने के लिए,
तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कुत्ते काट लेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी बच्चों को, फिर इंजेक्शन वगैरह दिलाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और गाय वगैरह है तो फिर भी उनसे तो बचा जा सकता है, लेकिन कुत्ते के कारण वो लोग भी दौड़ने भागने लगते हैं, क्योंकि कुछ परेशान करते होंगे कुत्ते जो हैं सो। इस वजह से काफ़ी कुत्ते हो गए, ठंडे में इतने छोटे छोटे बच्चे सब हुए थे और अभी सब बड़े बड़े हुए। और यहाँ देखिए बिल्ली मैडम घूम रही है, ये बिल्ली भी जो है बेचारी दोपहर में घूम रही है शाम में सबके घर घर में। तो आ गए हैं बच्चे साइकिलिंग करके, अब बच्चे जाएंगे अपनी थोड़ी सी मतलब टीवी वगैरह देखेंगे और फिर स्नैक्स वगैरह रात का शाम में कुछ खाएंगे, होमवर्क वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो यही बच्चों की भी रूटीन रहती है और मेरी भी उनके साथ साथ यही रूटीन रहती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो पहले